मैं आज आपको दिखाऊंगा ताड़केश्वर महादेव का मंदिर। यह वो मंदिर है जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थापित है। जयपुर का ये विशाल मंदिर, ये आज भी वैसा ही है जैसा सालों पहले था। इसकी इमारत, इसकी बनावट बिल्कुल प्योर राजस्थानी, जैसे टेक्सचर के घर मकान होते हैं वैसे ही है। ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है और महादेव की श्रद्धा यहाँ के लोगों में इतनी है कि यहाँ पर सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। आज तो भीड़ कम है और मैं इस वीडियो को शूट करने के लिए पर्सनली इस मौके पे आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे भीड़ कम है फ़िलहाल। और आप यहाँ की इमारत को देख सकते हो, कितनी प्यारी प्यारी इमारत है, और नंदी बाबा की ये विशाल मूर्ति और ताड़केश्वर महादेव का ये मंदिर। यहाँ पर ये जो शीतला माता जी है उनका भी यहाँ पर मंदिर है, और आप यहाँ की इमारत एक बार देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ का पहले शीतला माता के दर्शन में आपको करवाता हूँ। ये शीतला माता है और ये शीतला माता का मंदिर है। शीतला माता के बाद मैं आपको महादेव की भीड़ दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ रहती है। यहाँ पर ये ऐसा नहीं है ये सुबह सुबह की भीड़ है, ये 24 आवर्स ऐसी ही भीड़ रहती है। रात को जब मंदिर बंद होता है तब जा कर के भीड़ शांत होती है। यहाँ पर इतनी भयंकर भीड़ होती है कि यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए लोग ऐसे पागलों की तरह एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। ये देखिए महादेव, ये है वो ज्योतिर्लिंग जो कि यहाँ पर स्थापित है। ये महादेव का मंदिर है, ये ताड़केश्वर महादेव का ये विशाल मंदिर है, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही अच्छा। ये नंदी बाबा की मूर्ति है। वैसे एज की जो बाउंड्री हो रखी है ये प्योर चांदी से हो रखी है, और बाबा जो नंदी है, नंदी बाबा की जो मैंने आपको मूर्ति दिखाई वो भी चांदी से बनी हुई है। यहाँ के गेट भी चांदी के हैं, और अगल और बगल में यहाँ पे गणेश जी का विशाल मूर्ति यहाँ पे स्थापित है। ये गणेश जी की विशाल मूर्ति यहाँ पे स्थापित है। उसके अलावा बहुत बहुत काल भैरव की मूर्ति भी यहीं पर है। ये शिव जी का छोटा सा मंदिर यहाँ भी है, मतलब हर जगह छोटा 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 सा मंदिर बना रखा है इन्होंने। ये काल भैरव की मूर्ति है, कहते हैं कि इनके बिना महादेव के दर्शन करने अधूरे हैं। सबसे पहले इनके दर्शन होते हैं, उसके बाद महादेव ये अनुमति देते हैं, तभी महादेव के मंदिर में हम जाकर उनके दर्शन कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना विशाल मंदिर है और ये कितना खूबसूरत है। आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा सालों पहले था, यहाँ कुछ नहीं बदला। यहाँ की इमारत, यहाँ के लोग, और ये हनुमान जी का मंदिर है, ये श्री राम भगवान है, मतलब जहाँ हनुमान जी हैं वहाँ राम जी तो होंगे। बड़ा ही विशाल मंदिर है, बड़ा ही खूबसूरत।